मन के हारे हार है मन की जीती जीत, कहे कबीर हरी पाइये मन की ही प्रतीत। कबीर दास जी के इस दोहे का अर्थ है कि जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं है। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। कुछ ऐसा ही उदाहरण चूरू में देखने को मिला है, जहां कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में जॉब चली गई, लेकिन उदास और निराश ना होकर चूरू के लोकेश शर्मा ने कुछ नया करने की ठानी और यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से पहले केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू किया और अब नर्सरी लगा पौधे बेच रहे हैं। 35 वर्षीय लोकेश शर्मा बताते हैं कि वह ऑटोमोबाइल सेक्टर में थे और लॉकडाउन में जॉब चली गई और नई जॉब की तलाश शुरू की, लेकिन जॉब नहीं मिली और स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी नहीं थी। जिसके बाद मन में केचुआ खाद बनाने का आइडिया आया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से केचुआ जैविक खाद बनाने की विधि सीखी और अब नर्सरी चला रहे हैं। लोकेश बताते हैं कि जॉब जाने पर एक बार निराशा जरूर लगी, लेकिन आज वह स्वयं का कारोबार संभाल रहे हैं और कलकत्ता, बेंगलोर और पुणे से प्लांट मंगा नर्सरी संचालित कर रहे हैं। लोकेश बताते हैं कि उन्होंने 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर नर्सरी शुरू की थी, जिसका उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही वह स्वयं भी पौध तैयार कर रहे हैं। शर्मा बताते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया की सहायता से ही पौध तैयार करनी सीखी। ये सर, मैंने पहले केचुए का किया था लॉकडाउन के बाद, और लॉकडाउन के दौरान केचुए का शुरू किया। उसके बाद दिमाग में ये नर्सरी का था, तो ये 30-40 हज़ार रुपये से मैंने नर्सरी का काम शुरू किया, और अब रिस्पॉन्स अच्छा है तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अब मैंने आगे अंदर कुछ पौधे खुद भी तैयार कर रखे हैं और यहाँ खुद तैयार भी करेंगे। बाकी पुष्कर से आते हैं, और पुष्कर में पुणे से, आंध्रा से और कलकत्ता से भी पौधे काफ़ी आते हैं, वो भी लेके आते हैं। जॉब से अच्छा है, जॉब से अच्छा खुद का काम है। अब ज़्यादा संतुष्टि है कि हाँ ठीक है, जो भी कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं।